अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तखान मेरे चैनल पे सभी प्यारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी पुलाव। इसे आप ज़रूर बनाइए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस पुलाव का। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बासमती चावल। आप इसे कामनी चावल भी बना सकते हैं, मैं इसे बासमती चावल बना रही हूँ बिरयानी वाले चावल में। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 190 ग्राम चावल है ये, और कप से नापेंगे तो ये 1.5 कप चावल है। और यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज ली हूँ, इसे मैं फ्राई करना है यानी रिश्ता तैयार करना है। हाफ लेमन जूस और कुछ मसाले हैं जो चावल में जाएंगे, हाफ टी स्पून शाहजीरा, दालचीनी का 2 टुकड़ा, 2 इलायची, 2 लौंग, हाफ टी स्पून मेथी, 3 तेज़पत्ता, नमक अपने हिसाब से रखें। यहाँ पर मैं 1.5 कप चावल ली हूँ तो पानी में जस्ट डबल लूँगी, यानी कि 3 कप पानी में यहाँ पर ले रही हूँ। और एक तरफ साइड में पानी चढ़ा दी गर्म होने के लिए, पानी में अच्छे से बॉयल आने तक उसे गर्म कर लेती हूँ। और यहाँ पर एक मैं पैन चढ़ा दी हूँ, पैन भी काफ़ी गर्म हो चुका है। और इस पैन में मैं डालूँगी 2.5 टेबल स्पून घी, और आप चाहे तो 2 टेबल स्पून भी घी यूज़ कर सकते हैं या रिफाइंड ऑयल भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और इस घी में मैं रिश्ता फ्राई करूँगी यानी प्याज फ्राई करके निकाल लूँगी। और प्याज यहाँ पर मैं बस ज़्यादा नहीं ली हूँ, बस एक मीडियम साइज़ का प्याज ली हूँ। रिश्ता रेडी हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब इसमें डाल दूँगी इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले यहाँ पर मैं मेथी डालूँगी, 7 से 8 सेकेंड थोड़ा सा वेट करूँगी, फ्लेम को हाई कर देना है। हमें इन्हें भी डाल देना है। अब मैं यहाँ चावल डालकर 2 मिनट भून लूँगी मीडियम फ्लेम पर। चावल अच्छे से भून गया है, अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी गर्म पानी और साथ में नमक और लेमन जूस। इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक पानी एकदम थोड़ा सा रह जाए। इसे मैं चला लेती हूँ और बीच में 1 से 2 बार चला भी लें, अच्छी तरीके से चलाना है, चावल टूटे ना। अब मैं यहाँ फ्राई किया हुआ बिरिस्ता डाल दूँगी और इसे ढक दूंगी 1 मिनट के लिए, और फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। 1 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इन सारे बिरिस्ता को पुलाव में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। टेस्ट बहुत अच्छी आती है पुलाव की, आप इसी तरीके से ज़रूर बनाइए। फाइनली मेथी पुलाव बनकर रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि आप इसे चिकन या मटन के साथ ही खा सकते हैं, आप इसे सब्ज़ी के साथ भी खाइएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए अब पुलाव बनकर रेडी है और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है मेथी का और घी का। आप इसे घी में बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगी ये पुलाव। और एक एक दाना मैं दिखला दे रही हूँ, देख लीजिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, और बहुत टेस्टी पुलाव है, आप इसे ज़रूर बनाइए। और मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा इस पुलाव के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।